यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय छः। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय छः। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इसराइल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इसराइल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यो कहता है, देखो मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा, तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इसराइलियों की लोथों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएगी, तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। सो जब तुम देश देश में तीतर बितर होगे, तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे। और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और व्यभिचारिणी किसी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यो कहता है कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कह, इसराइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नाश हो जाएंगे। जो दूर हो वह मरी से मरेगा और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा और जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले दिबला की ओर तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।